Hey guys, welcome back to my YouTube channel again. कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बहुत ही बढ़िया, होपफुली आप सब भी बहुत ही बढ़िया होंगे. सो गाइज, इस बार अब हम आए हैं आमेरगढ़ में, आमेर फोर्ट, आमेरगढ़ नहीं, जो है जयपुर में ही है. आप सबको पता होगा, नाम तो सुन ही रखा होगा आपने, और आज का ये व्लॉग इसी के बारे में होने वाला है. ये एंट्रेंस है, अभी हमें टिकट भी लेना है आगे जाके. ये ऐसा कुछ नजर आया यहाँ से, ये देखिए. तो गाइज यार, ये एंट्रेंस है मेरे हिसाब से, और अब हम अंदर जाके टिकट लेंगे. टिकट का प्राइस आपको बता देंगे पूरा, कितने का है कितने का नहीं है. तो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं वीडियो में. तो यार एंट्रेंस पे कुछ इस तरह की सारी दुकानें लगी हुई है. यार ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर चढ़ते इतना शानदार नज़ारा दिखाया गया. ये देखो, दम पानी तो ऐसा फोटो खींच लूंगा. टिकट के लिए तो बहुत ही ऊपर जाना पड़ रहा है, पूरी ऊपर वहाँ चढ़ के जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद टिकट मिलेगा. थोड़ा ऊपर आते ऐसा कुछ नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे शानदार, और ऊपर इसमें इधर जाना है, सामने सामने जाके टिकट मिलेगा. ये है मेन एंट्रेंस. सो गाइज, ये टिकट अब ले लिया है हमने. हम दोनों ने स्टूडेंट आईडी लगाई है अपनी, तो हमें क्या है 20 rupees में पढ़ाया जाए. हाँ, और अगर आप ऐसे आओगे बिना स्टूडेंट आईडी के तो आपको 100 rupees पे करने पड़ेंगे टिकट के. एंट्रेंस है ये, यहाँ पे टिकट चेक करेंगे अपने टिकट. इस तरह का गेट है, एंट्री ले चुके हैं अंदर. ये देखिए इस साइड, बहुत ही शानदार. ये देखिए यार, यहाँ पर ये कुछ छतरी बनी हुई है, इसमें इतने सारे गेट हैं. अंदर चल के दिखाता हूँ मैं आपको. बहुत शानदार बनी हुई है अंदर से, इस पे ऊपर ये झूमर सा लगा हुआ है पुराने टाइम का. इधर जाके दिखाता हूँ यहाँ से नज़ारा नीचे का. वाह, ऑसम, सच में काफ़ी लाजवाब नज़ारा है यहाँ से, देखिए आप. यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पर्यटक आते हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में. लेकिन ये जो सामने बना हुआ है, इसकी तो डिज़ाइन ही काफ़ी ज़्यादा शानदार बनी हुई है यार. ये देखिएगा 27 कचहरी, ये है 27 कचहरी. पुराने टाइम का गेट. अपने पीछे देखिए 27 कचहरी, देख लीजिए कैसा लुक लग रहा है इसका. उधर से पूरा वो जो नीचे वाला नज़ारा था, हम ऊपर चढ़ के आ गए ना, तो नीचे वाला पूरा दिख रहा था नज़ारा, वो भी काफ़ी सुंदर लग रहा था यहाँ से देखने में. हुआ ये कि मैं अंदर जाने वाला था और यहाँ पर वेडिंग शूट स्टार्ट हो गया, और इनका जो शॉट पूरा होने के बाद ही अब हम अंदर जा पाएंगे. चलो कितना टाइम लगेगा इनको देखते हैं. शूट चल रहा है इनका, प्री वेडिंग शूट जो होता है वही चल रहा है. तो यार इसके अंदर अभी एंट्री ले रहे हैं, देखो ऐसा कुछ नज़ारा दिख रहा है यहाँ से.
इसको गणेश पोल बोला करते हैं। ये पूरा ऐसे है, ऊपर का नजारा ऐसा कुछ है, देखिए ये गार्डन बना हुआ है। चलो उधर सामने चल के देखते हैं, ये बहुत शानदार बना हुआ है, इसको अंदर से जाके दिखाता हूँ मैं आपको। रुको, ये देखिए यार, मतलब इतनी शानदार तरीके से बना हुआ है, इतने साल पुराना, पूरे मिरर्स वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं। और इसकी ऊपर की छत भी देखिए कितनी शानदार तरीके से डिज़ाइन की गई है। ये देखो कुछ ऐसा है नज़ारा अंदर का, लेकिन इसकी जो दीवारों पर जो डिज़ाइन बनी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत दिखती है। ये देखिए जो अभी आपने दीवार पे देखी है वो दीवाने खास है, इस पर कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप पोस्ट करके। उधर वो पुरानी चीजें जो मतलब पहले के टाइम पे थी वो अभी तक भी पड़ी हुई हैं। इधर जाने नहीं देते क्या? इधर नहीं जा सकते ना, वहाँ पे से है नीचे लोग बाग खड़े। अच्छा हाँ यार, ये पुराने जाने नहीं देते, वो बंद किया हुआ है। अच्छा था ना कि यहाँ से भी नजारा दिखने में अच्छा था, मतलब पहले क्या क्या चीजें होती थी वैसे पड़ा। यहाँ पे आर्मी खड़ी रहती थी। अच्छा, ये आर्मी के लिए बनाया था पूरा स्पेशली ये सामने वाला। हाँ, और ये इस साइड क्या है? ये सब घर वगैरह है यार, दिखने में तो ऐसा लग रहा है। शूट हो रहा है यार। हाँ, शूट चल रहा है इसमें तो। हाँ, अरे है ना, हाँ यार कोई मूवी वगैरह का शूटिंग चल रही है। इधर कुछ शूट चल रहा है गाइस, नीचे पता नहीं ये किस चीज़ का शूट है, शायद सॉन्ग वोंग का शूट होगा। यार ये ऐसी जगह है जहाँ तक हमारी नज़रें जा रही हैं, ये वहाँ तक ये सुरंग चलने वाली है। भूल भुलैया है तो अपन रास्ता नहीं भूल जाए भाई। नहीं। ये देखिए गाइस, ये सेंटर है इसका, ये पूरा यहाँ से दिख रहा है, पता नहीं क्या सेंटर है क्या है, लेकिन ये बीच में बना हुआ है। भूल भुलैया है तो भूल। हाँ मैं तो भूल गया भाई, उधर से रास्ता है किधर से आया अपन। ये पुराना कुछ रखा हुआ है यहाँ पे लकड़ी से बना हुआ। वाह, ये हैं इनके वॉशरूम भी हुआ करते थे क्या पहले? नहाने वगैरह जो मतलब वो रहते थे ना। हाँ। उनके सिपाही वगैरह तो नहाते थे, उनके लिए छोटे ही रहते थे। सही है। और रानी वगैरह के लिए तो आप इधर कुछ नहीं है, ये सब ओपन है। हाँ मतलब पता नहीं कौन होते हैं क्या है इधर। इधर कहाँ चलेंगे? पूरा एक्सप्लोर करेंगे। ये देखो ये ऐसे वॉशरूम से उनके, देखो ये। अच्छा ये ये देखिए यार, ये वॉशरूम से वाह यार, बहुत पुराने तरीके से बने हुए हैं। तो स्टोर रूम इधर अंधेरे में कहाँ ले जा रहा है भाई। मेरे शूज यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से, ये देखिए। यहाँ ऊपर चलेगा भी है, चले नहीं बंद है रास्ता। गाइस अब जो आप जो चीज़ देख रहे हो ये राजा का बेडरूम है। ये राजा का बेडरूम है ना, ये पूरा गाइड बोल तो ऐसा ही रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है। गाइड सही बोल रहा होगा यार, हिस्ट्री तो पता है उसको, तभी तो गाइड बनाना हो। ये क्या है? ये वाला भी राजा का बेडरूम ही लग रहा है मुझे तो। यार ये गाइस आप देख रहे हैं, ये है मानसिंह महल का टांका, पानी की मांग को पूरा करने के लिए बनाया गया था। इसको पोस्ट करके पढ़ लेना आप। इसमें भी कुछ नीचे है, ये देखिए। अरे ये है ना पानी, बरसात के टाइम जब पानी वगैरह होता था ना। हाँ, तो स्टोर करने के लिए, स्टोर करने के लिए बनाया गया था। चलो इधर चल के देखते हैं इधर क्या है। उधर तो वो भूल भुलैया थी, वो सच में गाइड जा रहे थे, उन्होंने बताया था कि वो भूल भुलैया ही है। इधर चल के देखते हैं इधर क्या है। इनके सबके गेट लगे हुए हैं शायद, ये राजाओं के कमरे हैं। ये शायद राजा के सैनिक खड़े होने के लिए वो जगह होगी ना। अरे ये राघव भाई बता रहा है, इधर कुछ चक्की वगैरह रखी हुई है, देखते हैं कहाँ पे होगी। अबे इधर से ही तो आए अपन,
तो ये रास्ता बंद है, लेकिन इस जगह जाने का ऊपर जाने का रास्ता ही बंद है। हाँ इधर चल के देखते हैं इधर क्या है। इस साइड आ गए, आए थे ना इधर तो यार, वही तो जगह है ये पूरा जयपुर। यहाँ से जो देख रहे हो आप ये भोजनशाला है, मतलब डाइनिंग एरिया है। ये राजा जो भी थे इस जगह पे डाइनिंग किया करते थे, उसके पीछे वाले एरिया में। उधर ही ये इधर भी है कुछ सुख मंदिर, ये है दीवाने खास में सुख मंदिर यहाँ पे ना। हाँ रॉयल फैमिली वो मतलब दिन में रहते थे सुख मंदिर में, है ना। लार्ज अपलॉन्ग चैम्बर विद टू साइड रूम्स, गर्मियों में ताकि सर्दी वगैरह नहीं लगे। सही है। और आज गद्दी बनी हुई है राजा की, शायद हो सकता है बैठने में काम आती है। इधर तो मैं ही दिख रहा हूँ बस, गद्दी भी दिख रही नहीं दिख रही। शानदार बना हुआ है सुख मंदिर, हो सकता है, लेकिन ये पूरा पैक किया हुआ है बाहर से, अंदर से बहुत शानदार दिख रहा है, क्योंकि वो थोड़ा टूटा हुआ है, उसको बचाने के लिए ही जो है इन्होंने वो लगवाया हुआ है। चले एग्जिट में, नहीं एग्जिट में चलना था ना अपने को। ये पता नहीं क्या है अंदर, ये सुरंग है, ये जो जब लड़ाई हुआ करती थी तब यहाँ से वो जो सैनिक है वो निकल के जाया करते थे। ये वापस उधर से घूम के देखो गाइस, यार ये नीचे शायद इन्होंने जाने का रास्ता ही बंद किया हुआ है, पता नहीं है मुझे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बैंक पता नहीं जाने का। इधर ऊपर तो हम जा चुके हैं पहले, चलिए यार एग्जिट पे चलते हैं। ये इधर से देखिए वो कौन सा था, ये जयगढ़ है, ये वाला, ये जो सामने आपको दिख रहा है जयगढ़ का एरिया है। आर्मी लगी रहती थी यार एग्जिट में, बहुत मुश्किल से एग्जिट मिला यहाँ का। यूर आ गो बहुत भयंकर, पता नहीं क्या बना है, भूल गया इधर जो हम गए थे वो सच में भूल भुलैया थी। तीन बार एक जगह कहा जाता है, और हमें ना तीन बार नहीं तीन चार बार चक्कर काट लिया अपन ने एक ही जगह के, बीच वाली जगह के। तो यार लग गया यार यहाँ पे शूटिंग चल रही है किसी चीज़ की, और इन्होंने बताने से मना कर दिया कि किस चीज़ की शूटिंग है, पता नहीं, मुझे तो लग रहा है किसी सॉन्ग की शूटिंग चल रही है, और इनके सबके चोटें लगी हुई है, ऐसा कुछ शो इसमें दिखाना होगा तब। चलो हम आगे चलते हैं, ये मीना बाजार है, मीना बाजार। ये हैंडीक्राफ्ट मार्केट है यहाँ का इतना सा, उधर वो सब जो है हैंडमेड चीज़ें जो है सेल कर रहे हैं अपनी। सो यार गाइस फाइनली अब हम बाहर आ चुके हैं। क्यों राघव भाई डुल गए थे ना आज तो अपन, बहुत मुश्किल से निकले हैं। हाँ यार वहाँ पे भूल भुलैया थी पूरी, और ये पीछे देखो यहाँ से एंट्री ली थी हमने, यहाँ पे टिकट, और वो जो उधर से लोग आ रहे हैं ना वहीं से हम वापस आए हैं। बहुत देर लग गई घूमते घूमते, पेट दर्द करने लग गए हैं, तो इस वाले ब्लॉग को अब यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।